चंदर को कोई धमकी दे रहा था फोन पर, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो आदमी कौन? एक तरीका है, अगर हमने चंदर को उलझा लिया और अगर उसका फोन हमारे हाथ लग गया तो उस आदमी का नंबर मिल सकता है। ये देख, नंबर मिल गया, लगा इसे। हेलो, देखिए आपकी जान को चंदर के आदमियों से खतरा है, आप फौरन बिना देर के वहाँ से निकल जाइए। मोहिनी जी, घर का ताला तोड़कर अंदर भी देख लिया, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला उनका। दोनों ने कहाँ जा सकते हैं वो? प्रीत और राज ने जरूर उन्हें खबर कर दी होगी, भाग गए घर से। यानी राज और प्रीत? या नहीं यार, सिमी अकेली, यानी घनघोर आनंद आने वाला। तुम जाकर उस लड़की को देखो और मैं उस कच्ची गली को, बहुत मासूम है और अकेली भी। जगन, जगन दरवाजा खोल, मुझे अपनी बेटी का हाल जानना है, वो अकेली है वहां पर। ताला खोल जगन, जगन जगन खोल दरवाजा, मैं अकेले जाऊंगी वहां पर, किसी को नहीं ले जाऊंगी, तेरे परिवार को नहीं लेके जाऊंगी, सुखी रावी बबली किसको नहीं लेके जाऊंगी, मैं सब कुछ अकेले कर लूंगी। एक बार दरवाजा खोल, मेरी बच्ची अकेली है वहां पर, खोल दे दरवाजा, खोल देना जगन, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, खोल दे जगन, ताला खोल दे जगन, खोल दे। सारा है ना मेरे साथ? अब हम यहां से निकलकर कहीं और छुपेंगे। बहुत मजा। चलो मेरे साथ चलो। तो अपने ही घर में छुपा दिया, आराम से किसी ने ढूंढ लिया तो? यही तो बात है, कोई सोच भी नहीं सकता कि जिसे वो ढूंढ रहे हैं वो उन्हीं के घर में बैठा है, इसीलिए आपको यहाँ पे लेके आए हैं। आप बैठ जाइए आराम से।
राज, मुझे ना सिमी दीदी की थोड़ी चिंता हो रही है। मैं रोहन वीर जी को फोन करके पूछती हूँ। हाँ, फोन लगा। हेलो 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 वीर जी। हाँ प्रीत, काम हो गया? हाँ वीर जी, काम तो हो गया। वो लड़की और उसके पिताजी को हम घर के गोडाउन में लेकर आए और यहीं पर छुपा दिया है ताकि किसी को शक ना हो। बस सुबह होने का इंतजार है और पंचायत के सामने उस चंद्र का भांडा फोड़ देंगे हम। ये अच्छा किया तुम लोगों ने। हाँ वीर जी, वो पूछना था, सिमी दीदी ठीक है ना? आपके पास ही है ना वो? और दरअसल मुझे यहाँ पर रुकना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई भी आए। हाँ, वो मेरे पास ही है। सिमरन कहाँ गई? सिमरन, सिमरन, सिमरन। हेलो हेलो वीर जी, क्या हुआ प्रीत? हेलो वीर जी, क्या हो गया प्रीत? पता ना, सिमी दीदी मिल नहीं रही है वीर जी को। क्या? सिमरन, आपको आवाज आ रही है मेरी? सिमरन, हेलो राज, देख रहा था कुछ। रोहन वीर जी, हेलो वीर जी, जवाब दीजिए कुछ। रोहन वीर जी, मैं बात कर रहा हूँ, राज कुछ बोलिए। हेलो राज, मुझे लगता है जरूर चंद्र की कोई साजिश होगी इसमें। राज मैं और नहीं रुक सकती, मुझे जाना होगा। प्रीत, प्रीत क्या कर रही है तू? पागल है क्या? तो अगर बाहर गए तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। तो समझ में नहीं आ रहा मुझे भी। नहीं, अगर अगर चंदन हुआ ना वहां पर तो बहुत परेशानी हो जाएगी। तू पागल है क्या? एक बार फिर सोच ले, अगर तू बाहर गई ना तो सबको पता चल जाना है कि हम दोनों यहाँ पे, और उन्हें ये भी पता चल जाना है कि हमने इन्हें यहाँ पे छुपा कर रखा। तो सोच, अगर उन्हें पता चल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी प्रीत। तेरी हिम्मत कैसी हुई सिमरन को यहाँ लाने की? राज, हीरो, 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 ये मेरा दोस्त है, ये बहुत अच्छा है। हाँ, देखो, इसने मुझे आइसक्रीम भी दिया। और वो यहाँ पे लग गया था ना, तो उन्होंने साफ भी कर दिया था। तुम खाओगे? हद हो गई है वैसे, हैं? ये सवाल मुझे करना चाहिए था। सिमी मेरे होने वाली बीवी, दरवाजा खटखटा के तुझे आना चाहिए था। साले कमीने,
मैं तुझे मार दूंगा, जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। एक दिन दिखाऊं तुझे, चल दिखाता हूं। सिमी, आ। हीरो। सिमी देखो, मुझे बहुत लग रही है। आ। महाराज। देखो मुझे मार रहा है, मुझे दर्द हो रही है सिमी। आ। दर्द हो रहा है? मार रहा है, मुझे लग रही है। हीरो, हीरो लग रही है, छोड़ो। आ। मेरी बात सुन, आज की लड़ाई रोहन वीर जी को लड़नी होगी सिमी दीदी के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है वो जीतेंगे, सब ठीक कर देंगे। प्रीत मेरी तरफ देख, तुझे विश्वास है ना मुझ पे? चलो मत मारो उसे, चलो। क्या हुआ रोहन हीरो? अगर एक बार और सिमरन के करीब आया ना, काट दूंगा तुझे। चलो चलो, जाओ जाओ, ले जाओ इसे। कितनी दूर रख पाओगे? कल ब्याह होने वाला मेरा इसके साथ, तो आगरा कराऊंगा। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तुम सब देखो। प्रीत, 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 संभाल अपने आप को। हम सबको यहाँ इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन प्रीत है कहाँ? पूरी पंचायत इंतजार कर रही है। माजरा क्या है भाई? सरपंच जी, सरपंच जी माफी चाहती हूँ, सरपंच जी देरी से आने के लिए, लेकिन सबूत, सबूत इतना बड़ा है कि क्या करती। ओहो चंद्र बाबू, इतना मत घूरिए,
आपकी आंखें पथरा जाए। सरपंच जी, आपने मुझे आज तक का वक्त दिया था ये साबित करने के लिए कि ये चंदर एक नंबर का घटिया और गिरा हुआ इंसान है। वक्त कम था, लेकिन सच्चाई जंजीरें तोड़कर बाहर आ ही जाती है। सरपंच जी, ये लड़की आपको इस चंदर की सारी सच्चाई बताएगी। सरपंच जी, ये वो लड़की है जिसकी जिंदगी इस चंदर ने इलाज के नाम पर बर्बाद कर दी, और इसने सिर्फ इसकी नहीं, न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। लेकिन आज यहाँ पर पंचायत में मैं ये साबित कर दूंगी कि ये चंदर कोई महात्मा नहीं है, एक नंबर का पाखंडी और राक्षस। बोलो बेटी, क्या कहना चाहती हो तुम? देखो, घबराओ मत, हम सब हैं यहाँ पर। हाँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, जो भी तुम्हारी आप बीती है ना, तुम बता दो सबको कि इस चंदर ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। तुम डरो मत, ठीक है? क्या बताएं हम आप सब लोगों को, बताने के लिए कुछ है ही नहीं। चंदर जी महाराज महात्मा ऐसे इंसान है, उन्होंने हमारे साथ क्या किया जानना चाहते हैं आप लोग? तो सुनिए, जान बचाई है उन्होंने मेरी, बर्बाद हो चुके थे हम, उन्होंने संभाला है हमें। तुम बिल्कुल दबाव में मत आओ। क्या बोल रही हो तुम इस आदमी के बारे में? हाँ, तुम देखो डरो मत, ठीक है? कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें, हम हैं यहाँ पर तुम्हारे साथ, जो भी सच है बता दो। क्यों पीछे पड़ी हैं आप इनके और हमारे? कल से कैद करके रखा है हमें और हमारे पिताजी को, हमेशा हमें डराती और धमकाती रहती है, बात बात पर झूठ बोलने के लिए कहती है चंदर बाबू के खिलाफ। अगर हम चंदर बाबू के खिलाफ झूठ नहीं बोले तो आप हमारी जान ले लेंगी ना? तो ले लीजिए हमारी जान, ले लीजिए। क्या कर रही हो? लेकिन हम दबाव में आकर चंदर बाबू के खिलाफ झूठ नहीं बोलेंगे। चंदर बाबू एक महात्मा इंसान है, समझिए आप। सरपंच जी, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं कहना है। ये क्या हो रहा है प्रीत, आखिर ये क्या हो रहा है? एक महात्मा के ऊपर ऐसे घिनौने आरोप सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी बात मनवा सको? ये मत भूलो प्रीत, ये पंचायत इसके पहले भी तुम्हें एक बार सजा दे चुकी है। अब अगर तुमने एक शब्द भी झूठ बोला तो पंचायत तुम्हें सख्त से सख्त सजा देगी। अब ये पंचायत चंदर और सिमरन दोनों को शादी करने की इजाजत देती है। सरपंच जी, सरपंच जी, झूठ है। बस फैसला हो चुका, चलिए। सरपंच जी, सरपंच जी, हमारी बात सुनिए, ये झूठ बोल रहे हैं। राज,
कोई फायदा नहीं है। हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेला गया है, हमें ठगा गया है। बेशक आज तो तुमने ये बाजी पलट दी है चंदर, लेकिन ये खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सिमी दीदी की शादी तुझसे नहीं होने दूंगी मैं।